नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में दरोगा के भर्ती के लिए परीक्षा चल रही है। 1275 यानी कि 1275 दरोगा का चयन होना है। मेंस का रिजल्ट भी जारी हो गया है। कल शाम BPSSC यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा फिजिकल परीक्षा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए और ये बताया गया कि जो फिजिकल परीक्षा है वो जून द्वितीय सप्ताह यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद फिजिकल परीक्षा लिया जाना संभावित है और 29 मई तक एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे। इसके लिए दिशा निर्देश जो है, जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है, क्या क्या कागजात लगना है, ये इन सब को लेकर सूचना दे दी गई है। आपको बता दें कि बहुत सारे बिहार में परीक्षा जो है अभी पेंडिंग है और इसको लेकर छात्र ये हमेशा मैसेज करते हैं, पूछते हैं कि कब तक होने की संभावना है। तो दरोगा परीक्षा से ही ये स्पष्ट है कि अब जो भी बिहार में परीक्षाएं होंगी वो लोकसभा के चुनाव के बाद होंगी। सबसे पहले BSSC यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर बता दें आपको, नवंबर में नोटिफिकेशन जारी हुआ। मार्च तक देखें तो फॉर्म फिलअप, गलती सुधार, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, यही सब चलते रहा। और हमने आपको जनवरी में ही बताया था कि ये परीक्षा लोकसभा चुनाव के बाद होने की संभावना है। तो आपको हम बता दें कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो परीक्षा है द्वितीय इंटर स्तरीय, अभी आपको हम बता रहे हैं कि ये दुर्गा पूजा के आसपास होने की संभावना है। आज से नवरात्रा शुरू हुआ है, लेकिन इस ये नवरात्र नहीं बल्कि जो सितंबर अक्टूबर में नवरात्र आता है उस समय ही इसके परीक्षा के होने की संभावना आपको बता दें ये है। इसके अलावा 21,391 जो सिपाही का भर्ती परीक्षा था जो कि पेपर लीक के कारण रद्द हुआ था, इसको लेकर भी आपको बता दें कि अगस्त से पहले ये परीक्षा होने की संभावना नहीं है। BPSC TRE 3 15 मार्च वाली जो परीक्षा है जो रद्द कर दिया गया पेपर लीक के कारण, उसका भी जून जुलाई से पहले जो है उसका भी अब संभावना नहीं बन रहा है। तो बिहार में सिविल कोर्ट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है, हालांकि 3 लाख से अधिक कैंडिडेट के फॉर्म को कैंसिल कर दिया गया है, ये परीक्षा भी अगस्त से पहले होने की संभावना जो है, जुलाई अगस्त से पहले होने की संभावना न के बराबर है। तो दरोगा के परीक्षा का आज जो है उससे संबंधित जो है दिशा निर्देश जारी किया गया और इसमें ये साफ साफ स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव के बाद फिजिकल की तैयारी होगी, फिजिकल का एग्ज़ाम होगा। तो इससे स्पष्ट है, आपको हम बता दें, इससे स्पष्ट है कि ये परीक्षा जो है फिलहाल कोई भी परीक्षा बिहार में अभी होने की संभावना न के बराबर है। लोकसभा चुनाव के बाद ही कोई इस पर संभावना बनती है। दरोगा के परीक्षा का फिजिकल भी, जबकि फिजिकल लेना है इसमें, एक ही सेंटर पर होता है, ये जब लोकसभा के बाद हो रहा है तो अन्य परीक्षा के बारे में सोचना भी व्यर्थ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।